रामू, कल तुम स्कूल क्यों नहीं आए, बताओ। सर, मेरे पेट में दर्द हो रहा था, ज्यादा खाना खा लिया था। चुप, हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाता रहता है। और श्यामू, तुमने होमवर्क किया? जी सर, होमवर्क किया पूरा। तो लेकिन बुक, नोटबुक घर पे ही रह गई है। हाँ, बहुत अच्छे, तुम दोनों एक जैसे ही हो, लगे रहो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। चलो देख कर आता हूँ ये बच्चे लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये बहुत शैतान हैं दोनों लोग, इनको सुधारना पड़ेगा। ए रामो, कैसी चल रही है तुम्हारा प्रैक्टिकल? सर, बहुत ही अच्छा चल रहा है। तो क्या एग्जाम में पास हो जाओगे? सर, एग्जाम का तो पता नहीं, लेकिन मुझे भूख ज्यादा लगी हुई है। क्यों, खाना नहीं खा के आए क्या सुबह? सर, मैं थोड़ा लेट हो गया था। हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाता रहता, चल पढ़ाई कर। क्या काम करूं, पढ़ाई तो की नहीं, अब कोई नौकरी भी नहीं है, बेरोजगार घूम रहा हूँ। काश उस टाइम पढ़ाई कर ली होती, गुरुजी की बात मान ली होती तो बहुत अच्छा होता। हमेशा गुरुजी से झूठी बोला, काश हमने पढ़ाई कर ली होती तो आज हमारा ये हाल नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, आप हमेशा पढ़ाई करते रहना, गुरुजी की बात मानना, ताकि आप भी हमारी तरह बेरोजगार ना घूमो, कोई ना कोई काम अवश्य मिल जाए। तो पढ़ाई हमेशा अच्छे से करना।